दिया। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने आई हूँ लेटेस्ट अपडेट फॉर द नीट। नीट की न्यू डेट अभी अभी एचआरडी मिनिस्टर ने ट्वीट कर दी है एंड 13 सितंबर आपका एग्जाम की न्यू डेट है नीट के लिए। तो 26 जुलाई का अभी तक जो कंट्रोवर्सीज हो रही थी, आपको बहुत ज्यादा टेंशन था कि क्या एग्जाम होगा या नहीं होगा या कैंसिल होगा या पोस्टपोन होगा, वो सब चीजें अब ओवर हो गई है और क्लियर कट ये हो गया है कि 26 जुलाई को जो नीट का एग्जाम आपका होने वाला था वो एग्जाम अब 13 सितंबर को होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको बहुत ज्यादा अब फिर से स्ट्रेस में आने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो रहे होंगे तो खुश होने की भी जरूरत नहीं है। प्रिपरेशन लेवल जिन बच्चों का 100% था और जिनको लग रहा था कि एनी हाउ एग्जाम 26 जुलाई को ही हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि अभी ये जो समय चल रहा है इस समय में हमको सभी लोगों का और सभी बच्चों को ध्यान में रख के ये डिसीजन लिया गया है। तो आपको अगेन एक न्यू स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। जिनका प्रिपरेशन लेवल 100% है वो स्टूडेंट केवल रिवाइज करते रहे। रिवीजन किस तरह से करना है, किस तरह से आपको फिर से एक नया गोल 13 सितंबर के नीट के एग्जाम के लिए स्टार्ट करना है, उसका एक न्यू टाइम टेबल मैं नेक्स्ट सेशन में वीडियो में लेकर आऊंगी। तो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, नीट के लिए आप चैनल के साथ कनेक्ट रहिएगा। जो वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड है नीट प्रिपरेशन के लिए, वो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस पेपर है, उनको आप फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हैं। एंड चैनल को आपको न्यू वीडियोस के लिए 13 सितंबर तक एक न्यू स्ट्रेटेजी किस तरह से फॉलो करेंगे उसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सो ओके, अगेन मैं कहूंगी कि आपको इस 13 सितंबर तक आप मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ प्रिपरेशन करिए एंड सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, बिकॉज हेल्थ इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर ड्यूरिंग दिस कोविड 19 पीरियड। सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे हेल्दी।